खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला में ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत मनाए गए उज्ज्वला दिवस के अवसर पर ग्रामीण महिलाओं को नए एपीजी गैस के कनेक्शन वितरित किए। इस अवसर पर महिलाओं व उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कपूर ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 15 लाख गरीब महिलाओं को एलपीजी गैस के कनेक्शन मुफ्त वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के कारण महिलाओं के जीवन में खुशहाली आई है और महिलाओं को धुएं एवं इससे होने वाली गंभीर बीमारियों से भी निजात मिली है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए किशन कपूर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि योजनाएं 70 वर्ष पूर्व भी शुरू की जा सकती थी जब देश आजाद हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने सभी योजनाएं अमीरों को ध्यान में रखते हुए बनाई और लोगों का शोषण किया जाता रहा। मंत्री ने कहा कि देश पर लगभग 60 सालों तक कांग्रेस ने राज किया है और वह अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों के लिए जो योजनाएं शुरू की जानी थी वह नहीं की गई। कपूर ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा सत्तासीन हुई है तब से मोदी सरकार ने गरीबों के हित में अनेक योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब लोगों के लिए गंभीर बीमारियों में 5 लाख तक मुफ्त इलाज का प्रावधान भी किया है। किस लिए शुरू की गई उस पर बड़े विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी। माता साबरी योजना वो भी शुरू हुई तो जब हिमाचल प्रदेश में पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रोफेसर प्रेम पाठ धूमल की सरकार ये गरीबों के लिए योजनाएं गरीबों के ऊपर बहुत सारी राजनीतिक रोटियां सेकती रही एक पार्टी 60 वर्ष तक राज किया। आज जो कांग्रेस के सर्वासर्वे हैं उनके पिताश्री भी रहे, उनकी नानी भी रहे और नानी के पिताश्री। कुछ लोग कहेंगे कि राजनीति कर क्यों नहीं करेंगे राजनीति, राजनीति में हमारा कार्य क्षेत्र वो है, पर जो काम करेगा वो बात भी करेगा, जो काम नहीं करेगा, जो हिंदुस्तान का धन लूटकर बाहर स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा कराएगा, हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिशें करेगा, गरीबों के साथ अन्याय करेंगे तो उनके बारे में बात भी जरूर। अब 70 वर्ष पहले शुरू हो सकती थी जब देश आजाद हुआ था, पर गरीबों का दिन प्रतिदिन शोषण होता रहा, गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया, सारी की सारी सुख सुविधाएं सरकार की योजनाएं अमीरों को ध्यान में रखकर बनाई जाती रही। अमीरों के लिए बहुत बड़े बड़े बैंक के लोन दिए गए, उन्होंने लोन भी हड़पा और हिंदुस्तान से भाग दिए। ये गरीबों के खून पसीने की कमाई थी, गरीबों को बात समझनी हो गया है। गरीब इस बात को जरूर समझे, गरीब अगर इस बात को नहीं समझेगा जो गरीबों के लिए योजनाएं आज भारत सरकार बना रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार बना रही है। अभी कुछ दिन पहले गरीब आदमी को जब गंभीर बीमारी हो जाती है, गरीब आदमी के पास उपचार कराने के लिए कोई धन नहीं होता, उनके लिए भी व्यवस्था हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। गरीब आदमी को गंभीर बीमारी होगी तो 5 लाख रुपए तक उसकी इलाज का खर्चा भारत सरकार उठाएगी।